ब्लडी तूफानी हाथों में थामे मुंबई इंडियंस की कप्तान। हरमनप्रीत कौर को लेकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आखिर WPA 2024 की पिच पर 9 मार्च की शाम खेले मैच में उन्होंने बल्ले से कमाल ही कुछ ऐसा किया। मुकाबला दिल्ली में था, पर क्रिकेट फैंस का दिल जीत रही थी मुंबई इंडियंस की कप्तान। अपने बल्ले से उन्होंने ऐसी जोर आजमाइश दिखाई कि उसे देखकर यकीन किसी को भी मजा ही आ गया होगा। वो कहते हैं ना, हार का जब जबड़े से जीत को छीन लेना, बिल्कुल वही काम इस कप्तान ने अपनी टीम के लिए किया। अब जब कप्तान ही ऐसे लड़ेगा तो टीम को तो प्लेऑफ खेलने का टिकट मिलेगा ही। सो मुंबई इंडियंस इस सीजन नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बता दें, मुंबई इंडियंस का मैच गुजरात जायंट्स के साथ था और हाई स्कोरिंग इस मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। हालांकि यह जीत मुंबई को नहीं मिलती अगर हरमनप्रीत कौर ने बल्लेबाजी के दौरान अपने तेवर नहीं बदले होते। उन्होंने तेवर बदला और उधर मैच का गियर चेंज हुआ। नतीजा गुजरात जायंट्स से मिला 191 रन का बड़ा लक्ष्य एक गेंद पहले ही चेज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हरमनप्रीत का तेवर और मैच का गियर कैसे बदला, तो यह सब देखने को मिला आखिरी के 6 ओवर में, जब मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 91 रन बनाने थे। उस वक्त तक हरमनप्रीत 21 गेंद पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे, यानी गेंद ज्यादा खेल रखी थी और रन कम थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने दिल्ली के मैदान पर बैठे हर एक क्रिकेट फैन को झुमा कर रख दिया। हरमनप्रीत कौर के बल्ले से ऐसा विस्फोटक देखने को मिला जैसे शायद WPL के इतिहास में पहले नहीं देखा गया। हरमनप्रीत कौर ने आगे क्या किया जानना चाहेंगे तो उन्होंने अपनी इनिंग के अगले 27 गेंदों पर 75 रन जोड़ दिए। मतलब एक वक्त 21 गेंद पर 20 रन बनाकर खेल रही हरमनप्रीत कौर का स्कोर उस टाइम 48 गेंदों पर नाबाद 95 रन हो गया। और इसी के साथ उन्होंने ना सिर्फ WPL के इतिहास रचा बल्कि अपनी टीम मुंबई इंडियंस को जीत को भी दिला दी। इतिहास ये रचा कि हरमनप्रीत कौर पहली ऐसी बल्लेबाज बन गई जिन्होंने WPL में 500 प्लस रन पूरे किए। तो आप किस में क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स।